सब्सक्राइब करें फन परदेसी यूट्यूब चैनल को और साथ में प्रेस करें बेल के आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले जानने के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है खबर कयूम और आपको मेरे यूट्यूब चैनल फन परदेसी में खुश आमदी। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं और अपनी प्रोफाइल पर पिक्स लगाते हैं, और पिक्स लगाने के समय कि आपकी जो पिक्स है फुल नहीं सिलेक्ट होती और आधी सेलेक्ट होती है, तो फ्रेंड्स उसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है व्हाट्सअप, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको मैं इसका तरीका कार बता देता हूँ अपने कैसे इसको सिलेक्ट करनी है, अपनी प्रोफाइल पिक्स है उसको कैसे सेटिंग करनी है। तो आपने एक दफ़ा इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। तो आपने ऑन करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, साइड में आ जाएंगे। साइड में आने के बाद एक इमेज का निशान आपको शो हो रहा है, आपने उसको एक दफ़ा जाके क्लिक करना है। तो आपके सामने दो ऑप्शन खुलते हैं, जिस एक है सेलेक्ट फ़ोटो, एक है टेक फ़ोटो, यानी कि आप किसी गैलरी से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसी टाइम भी फ़ोटो खींच के उसको लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी गैलरी से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो कभी मैं अपनी गैलरी में आ गया, तो गैलरी में मैं कोई भी पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये पिक सेलेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स ये पिक सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना, एक पेंसिल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने एक दफ़ा इसको क्लिक करेंगे तो जो बैकग्राउंड इमेज भी शो करा देता है, फ़ोटो फ्रेम भी शो करता है। मैं बैकग्राउंड इमेज भी एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जितने बैकग्राउंड होंगे खूबसूरत वो सारे ओपन हो जाएंगे। जैसे कि मैं फ़र्स्ट वाले को ओपन कर लेता हूँ तो देखो बहुत से बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गए हैं। अभी मैं कोई सा भी सिलेक्ट कम सर का मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एक दफ़ा, तो देखा मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स और भी बहुत से इसके बैकग्राउंड इमेज आ जाते हैं, मिसाल के तौर अभी मैंने वो एक फ़ोल्डर पहले फर्स्ट वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट किया, अभी उसके बाद नीचे डार्क, क्लासिकल, लाइट, बहुत से फोल्डर्स आ जाते हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये पेंसिल का ऑप्शन आ जाता है, तो वही फ़ोटो फ्रेम में है, फ़ोटो फ्रेम में आ जाता है इसके, वो ये दरअसल क्लासिक हो गए, यानी कि ये आपके जो फ़ोटो का उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड तो वही हमने पहले तब्दील किया कर लिया था, ये आपको फ्रेम की शक्ल एक दे देता है। यानी कि अभी मैं जैसे कोई इसको एक दफ़ा सेलेक्ट किया, ये तो मेरे को फ्रेम की शक्ल मिल गई है। तो फ्रेंड ये सब कुछ करने के बाद अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो फिर भी आपकी फ़ोटो, आपकी जो प्रोफाइल पे है वो फुल लगेगी। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी फ़ोटो थोड़ी सी खूबसूरत हो जाएगी, जैसे कि मेरी खूबसूरत लग रही है। आपने सब ये करने के बाद आपने क्या करना है कि एक दफ़ा जो पेंसिल का साथ वाला ऑप्शन है एक दफ़ा इसको क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो सीधा व्हाट्सअप में ले जाएगा, जो व्हाट्सअप प्रोफाइल इधर ले जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको डन पे एक दफ़ा क्लिक करना है। डन पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्स सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह आप अपने प्रोफाइल की पिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। मेरे चैनल फन परदेसी को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।